एक बारी दस दे जरा दिल वाले पूछ दे ने जा द ग्रैंड एट्रियम मॉल। मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे कुछ चाइनीज़ ट्राई करना था और चाइनीज़ ट्राई करने के लिए मुझे इसके ऊपर वाले फ्लोर पे फूड कोर्ट में आना पड़ना था। तो ये मैं फूड कोर्ट में आ चुका हूँ और अभी मैं यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि मुझे ये भाई दिखाई दिए जो कि लाइव गाना गाने की कोई स्कीम जो है वो यहाँ पर रेडी कर रहे थे। तो मैं इनको देखने लग गया। तो अभी ये लोग अपने बैंड बाजा रेडी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार मज़ीद टाइम वेस्ट करने से बेहतरी है कि मैं चलकर पहले अपने खाने का जो है वो ऑर्डर दे आऊँ। तो मैं यहाँ पर काउंटर पे आया और मैंने अपने खाने का जो ऑर्डर है वो कंफर्म कर दिया। तो उधर उन्होंने गाना गाना जो है वो शुरू कर दिया हुआ था, तो मुझे ये था कि यार मैं बस ज़रा जल्दी जल्दी यहाँ से ना चला जाऊँ और जाकर मैं कोई जगह तलाश करूँ जो कि भाई के बिल्कुल नज़दीक हो, ताकि मैं भी गाना जो है वो सुन सकूँ और साथ में अपना फूड जो है वो इन्जॉय कर सकूँ। तो फ़िलहाल क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं थे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर जगह मिल चुकी है और मैं बिल्कुल उनके सामने बैठ चुका हूँ और अब मैं देखूँगा कि ये कैसा गाना गाते हैं। भाई ने गाना तो गाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये एक और अंकल जो हैं ये वीडियो के अंदर आ रहे हैं और बिल्कुल आगे आकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लो जी ये भाई साहब तो और आगे आते जा रहे हैं। तो यार मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना क्लोज जो शॉट है वो इनके किसके सिंगर के पता नहीं मुंह का ले रहे हैं या पता नहीं इनका अपना नाम ही सांवल है जो इतना आगे आ रहे हैं बार बार। लगता है उन्होंने मेरी बात सुन ली है और पीछे हो गए हैं। बहरहाल शुक्र है। जी तो सांवल भाई आगे फिर आ चुके हैं और शायद वो ये मिलने के लिए आ रहे हैं, जो वो सिंगर बार बार कह रहे हैं कि कदिया मिल सांवल यार वे, तो शायद इसी वजह से सांवल भाई काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो ये भाई की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी, तो मुझे पता चला कि इनका नाम मुहीउद्दीन है ये जो गाना गा रहे हैं अभी, और नो डाउट इनकी आवाज़ अच्छी है और ग्रैंड एट्रियम मॉल वालों ने आज इनको बुलाया है यहाँ पर। लेकिन सांवल को पता नहीं यहाँ पर किसने इनवाइट किया हुआ था। तो खैर मेरा खाना आ चुका है और मैंने ऑर्डर किया था चिकन फ्राइड राइस थे, चाउमीन था और चिकन कैशो था। तो अभी ये बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है और मैं इसको खाने लगा हूँ और साथ साथ इसके मैं देखता हूँ कि अभी अगला गाना कौन सा है। yeah,
तो मैं साथ साथ खाना खा रहा था और खाने की टेबल पर ही बैठा हुआ जो है वो मैं वीडियो बना रहा था, इसीलिए जो सामने लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये सामने आकर बैठ चुके थे चेयर्स पे। तो अभी मैं खाना फिनिश करके तो आगे जाऊंगा। तो खाना मैंने खा लिया है और मैं अभी आगे वाली चेयर पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ से बैठकर मैं अब गाना सुन रहा हूँ। तो आपने शायद नोट नहीं किया लेकिन सामने से सांवल फिर गुजर गया एक मर्तबा। आपका ध्यान कहीं भी हो, मेरा ध्यान सांवल के ऊपर ही है। नो डाउट यार के भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गाया। ये मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग है और हम दोस्त जो अक्सर जब कभी लूडो खेला करते थे, काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, तो हम लोग विंटर्स में जब लूडो खेलते थे तो ये गाना चलाते थे मोबाइल पे लूडो के साथ रख कर, तो बड़ा मज़ा आता था। तो अभी भाई ने अगला गाना जो है वो गाना शुरू कर दिया है आवारी, जो कि एक विलन मूवी का था। और जब ये गाना नया नया आया था तो बड़े दुखी लोग जो है ना ये गाने को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक वगैरह पर लगाते होते थे। भाई गाना गा रहे हैं और दो जजेस जो हैं वो स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। अभी देखते हैं कि ये सॉन्ग के एंड तक अपना क्या फैसला सुनाते हैं। तो एक जज ने तो सर पे हाथ रख लिए हैं, उसको शायद गाना ही बहुत ज़्यादा पसंद आया और नो डाउट के वो गा भी बहुत अच्छा रहा है। लड़के ने तो बिल्कुल वाकई कमाल कर दिया यार, मतलब सपोर्ट करना चाहिए यार जो भी इस तरह किसी कोई भी मतलब ऐसे सिंगर्स वगैरह हैं जो कि जैसे भी मतलब अभी उनका स्टार्ट है या जो भी है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनको सपोर्ट करें। तो एक जज ने अपना फैसला सुना दिया है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आकर बैठा हुआ था सामने, और अभी ये जो ट्रैक है ये लोगों ने बहुत इंजॉय किया था और इवन मैं मुझे भी ये, क्योंकि वैसे भी गाना पसंद है और मैंने भी इस गाने को काफ़ी इंजॉय किया था। सुपर्ब यार, बहुत अच्छा गाना गाया और लोगों की एक मरतबा फिर से फरमाइश के ऊपर जो है वो फिर से एक मरतबा ये रिपीट कर रहे हैं। तो होया हुआ किया तो दूर में तो होया।
यार आप आवाम की आवाज़ें सुनकर तो ब्लेम मत करना उनको, क्योंकि ये भाई ने खुद बोला था इनको कि आप लोग सब जो है ना मेरे साथ साथ जो इसको रिपीट करें, इसलिए लोग गा रहे थे।